हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लफी सेल्फ केयर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरा हेल्थ जेल के बारे में, जो कि जानेंगे इसके बेनिफिट क्या है, कब दे सकते हैं और इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, वार्निंग क्या होती हैं, प्रिकॉशन यानी कि सावधानियाँ क्या होते हैं, डोज क्या होते हैं, इसके अप्लाई करने का तरीका सही क्या होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो एरा ओरा हेल्प जेल जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है मैन फार्मा काइंड कंपनी द्वारा, उसके द्वारा बनाई जाती है, जिसकी एमआरपी की बात करें तो 68 रुपये होती है। बात करें इसके इंग्रेडिएंट में यानी कि क्या क्या पाए जाते हैं जो साल्ट होते हैं, तो जैसे इसमें बेंजिल कोनियम होती है जो कि 0.1% होती है, कोलिन सेंसिलेट होती है जो कि 8.7% होता है, बाकी तीसरी जो इंग्रेडिएंट है लिग्नोकेन होती है जो कि 2% पाई जाती है। अब चलिए बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, यानी कि यूज़ क्या होता है। तो दोस्तों ये माउथ अल्सर में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों थोड़ा जान लेते हैं माउथ अल्सर होता क्या है, कारण क्या होता है, किस वजह से होता है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों जो माउथ अल्सर होता है कई कारण होते हैं, कई वजह होता है, जैसे कि स्ट्रेस लेना, चिंता तनाव होना उस कंडीशन में है तब भी माउथ अल्सर का कारण हो सकता है। विटामिन की कमी होने पर जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स हुआ, जैसे कि साइनोकोबालामिन B12 हुआ, बी कॉम्प्लेक्स हुआ, विटामिन सी की कमी होना, उस कंडीशन में भी आपको माउथ अल्सर हो सकता है। प्लस दोस्तों प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक की कमी होना, उसमें भी हो सकता है आपको माउथ अल्सर। ये होते हैं दोस्तों उसमें की कमी की कारण हो सकते हैं, या कि आपको पेप्टिक अल्सर है या यानी कि गैस्ट्रिक अल्सर है तब भी माउथ अल्सर हो सकता है। होता क्या है, गैस्ट्रिक अल्सर में हमारी बॉडी में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया जो होता है वो इंटर कर जाता है, जिससे कारण माउथ अल्सर हो सकता है। तो ये दोस्तों इसके कारण हैं, इसके वजह हो सकते हैं। तो इसी को लेके दोस्तों ओरा हेल्प के बारे में मैं लेके आया हूँ। तो ओरा हेल्प जो होता है, अगर माउथ अल्सर है कई टाइप के, तो उसमें क्या करता है, ये बहुत फ़ायदा करता है, माउथ अल्सर से रिलीफ करता है। प्लस दोस्तों अगर माउथ अल्सर में दर्द हो रहा है या इन्फ्लामेशन है, सूजन है, तो उस कंडीशन में ये सूजन को कम करता है, दर्द को राहत देता है दर्द में, या कि माउथ अल्सर में जैसे कि ओरल कैविटी में क्या होता है, अंदर जो होता है कि दर्द होने लगता है, इन्फ्लामेशन होने लगती है, पेन काफ़ी होता है, तो उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। बात करें दोस्तों इसके वार्निंग के बारे में, कुछ वार्निंग बता दें तो दोस्तों इसका जो यूज़ होता है ये ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं को नहीं देना है, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको भी बिल्कुल अवॉइड करना है, और दोस्तों बच्चों को बिल्कुल नहीं देना है, अगर जो 16 साल के नीचे बच्चे हैं उनको बिल्कुल ये अवॉइड करना है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नहीं देना है। बात करें दोस्तों इसके डोज के बारे में, तो डोज क्या होता है, तो आप 2 से 3 बार, 2 बार वैसे मोस्टली ले सकते हैं, बट अगर कंडीशन हाई है तो 3 बार दिन में ले सकते हैं। दोस्तों ये एक कंटेनर ड्रॉप की तरह होता है, जो कि क्या होता है, आपको 2 बूंद फिंगर पहले अच्छे से साफ कर लें, इंडेक्स फिंगर पे, फिर 2 बूंद, 1 बूंद या 2 बूंद अपने इस फिंगर पे ले लें, उसके बाद जहां आपको अल्सर है, माउथ अल्सर है, जहां उस कैविटी में अंदर या ऊपर या जो भी हो उसको अच्छे से उस अफेक्टेड एरिया पे आप लगा लें, उसके बाद छोड़ दें। ऐसे दोस्तों करने में आपको हफ्ते 1 वीक तक में आराम मिल जाएगा, ये होता है। अगर दोस्तों फिंगर से नहीं लगा पाते हैं तो आप जिस एरिया में अल्सर है उस एरिया में इस तरह से पुट कर सकते हैं, जेल को पुट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बात करें दोस्तों इसके जैसे कि बर्ताव क्या करें, तो दोस्तों अगर आपको अल्सर है, माउथ अल्सर, तो क्या करें, स्पाइसी फूड ना खाएं, जैसे कि तली भुनी चीज़ें को अवॉइड करें जब तक ये ठीक नहीं होता है। टूथब्रश को अपने बिल्कुल सॉफ्ट टूथब्रश यूज करें जो कि उस पर घाव ना हो। हाइजेनिक रहें, मतलब मुंह की सफाई बहुत ही इम्पोर्टेंट रखें, तब जाके आपको इससे आराम मिलता है। दोस्तों ये रहा ओरा हेल्प जेल के बारे में जो कि मैंने बताया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।